दोस्तों फोटो एडिट करना है, फोटो को साफ करना है, गोरा करना है, उसके लिए आपको एल्बम से फोटो सेंड करके स्केच बुक पर और उससे आप गोरा कर सकते हैं। और उसके बाद एक और ऐप है, या एक और ऐप है, दो ऐप हैं उससे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एल्बम पे चलते हैं दोस्तों, फोटो सेंड कर लेते हैं हम एल्बम पे। एल्बम पे चलते हैं, एक फ़ोटो ले लो, जैसे कि मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ दोस्तों। फ़ोटो में थोड़ा काला टाइप का चाहिए, देख सकते हैं दोस्तों इस फ़ोटो में काला है, लेकिन ये फ़ोटो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसको नहीं करूँगा मैं। दूसरा फ़ोटो लेते हैं दोस्तों, दूसरा फ़ोटो में देखा लेकिन कोई भी अच्छा फ़ोटो तो नहीं मिला, लेकिन एक फ़ोटो शायद मिल ही गया है। फ़ोटो अभी खोज रहे हैं, कोई काला टाइप का फ़ोटो खोजिएगा तो वो बन जाएगा दोस्तों, आप 100% की गारंटी देता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, ये जो फोटो है दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं कितना काला है, मतलब इसे फोटो में बहुत ज़्यादा दिखता है, तो इसे देख सकते हैं। सबसे पहले इसे फार्मिंग करेंगे, फार्मिंग में ये जो होता है ये ऐसे हटा देंगे इसे, मतलब ये जो होता है ऐसा रहता है। अब इसे हम सेंड करते हैं दोस्तों स्केच बुक पे, कहाँ पे, स्केच बुक पे। स्केच बुक पे जाने के बाद आपको इस स्केच बुक पे जाने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों क्या करना है। उसके बाद आपको करना है क्या दोस्तों, आपको एक आइकन है उस पर क्लिक कर, और आइकन ये वाला है ब्रश वाला, तो इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। और इस पर जाने के बाद फ़ोटो को स्मूथ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए इस वाले आइकन को जाना है, इस मोड में जाकर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, और ये इसमें जाकर ये जो सेटलमेंट है ऐसे कर लीजिए आप, इतना 17% 15% और 13.2 कर लेना है इसको, और यहाँ पे कट कर देना है। और अभी स्टार्ट करना है स्केच करना, इसको फ़ोटो को स्मूथ करने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। जूमिंग करके करिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं जूमिंग करके हर काम बहुत ज़्यादा अच्छा से कर लेता हूँ, मेरे फोटो एडिटिंग। जो फोटो है उसको साफ कर लेना है अच्छे तरीके से। स्मूथ कर लेंगे अब उसके बाद आपको दोस्तों स्मूथ हो गया, आप देख सकते हो फोटो कितना स्मूथ हो गया। अब इसके बाद आपको आइकन कौन से आइकन पे क्लिक करना है ये मैं उनको बता रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आपको इस पे जाना है, फिर से इस पे जाने के बाद इस बार आपको दोस्तों इस पे मतलब इस बार आपको कौन से ऑप्शन में जाना है ये भी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आपको ट्रेडिशनल में जाना है, और ट्रेडिशनल में जाकर इस ब्रश को लेना है, इरेजर के नीचे जस्ट है, जस्ट इरेजर के नीचे इस पे जाते हैं, और इसका जो सेटअप है देख लीजिए दोस्तों, और ऐसे ही कर लीजिए। अब नेक्स्ट करना क्या है, यहाँ पे ये करने के बाद वो जो मतलब उस पे चले गए, अभी कलर पे जाना है, और कलर पे जाकर आपको वाइट कलर ले लेना है, मतलब जो कलर है वाइट कर लेना है। वाइट पे क्लिक करने के बाद लेयर पे जाना है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, ये जो मतलब ब्रश को सेलेक्ट कर लिया, अब उसके बाद आपको कलर पे जाना है, तो कलर पे चलते हैं। कलर पे जाने के बाद वाइट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस लेयर वाले आइकन पे, तो इस पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपको कहीं पर प्लस का साइन मिल रहा होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है, इस पर क्लिक कर देंगे और इस लेयर पे क्लिक करेंगे, एक बार इस लेयर पे क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर यह जो मतलब यहाँ का जो होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए। अब उसके बाद कट कर देंगे, और करने के बाद हम फोटो को थोड़ा मतलब जूम करके स्केच करेंगे तो कलर वाइट होता जाएगा फ़ोटो का, और जो होगा वाइट हो जाएगा थोड़ा ही सा, ऐसे कर लेना है मुंह को ढक, यहाँ पे आपका जो फेस है यहाँ जितना मैं ढका हूँ उतना आपको वाइट कर लेना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, फिर से इस लेयर वाले आइकन पर जाना है, इस वाले आइकन पर जाना है जो चलते हैं, और उसके बाद इस वाले आइकन पर जाना है, यहाँ पे जो दोस्तों ये आइकन आप देख रहे हैं यहाँ पे चले जाएंगे, और जो जहाँ पर आपको नॉर्मल दिख रहा है
यहाँ पे नॉर्मल है, तो इस पर क्लिक करना है और थोड़ा करके आपको सॉफ्ट लाइट पे चले जाना है। ये रहा सॉफ्ट लाइट, इस पर चले जाएंगे और कट लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, फोटो का फ़र्क दिखाने के लिए मैं ऐसे किया। अब उसके बाद आपको फ़ोटो को सिर्फ फेस, ओनली फेस को आप ऐसे साफ करिएगा, ओनली फेस पर, स्किन टू स्किन, कपड़े उपड़े पर मत कीजिएगा इसे। और जितना जूम कीजिएगा उतना इसका साइज बढ़ता है। देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पूरी तरह से फ़ोटो को कर लिया। अब मैं फ़ोटो को यहाँ से थोड़ा सा अरे ये क्या, यहाँ पे तो थोड़ा